Hello everyone, hope you all are good. Hi, this is Azia and welcome back to my channel. अगर आप पहली बार मेरी videos देख रहे हैं तो do check out my channel and kindly subscribe ताकि आपको और videos देखने को मिले and also press the bell icon. So this is me and आज मैं आई हूँ WTP and West Side. So I am going to show you details of WTP. तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा गन्ने का जूस पी लिया है ताकि मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो और मैं वॉक करने में थकूँ नहीं. शाम का समय हो रहा है, काफ़ी अच्छा सा मौसम है एंड हियर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स WTP. उससे पहले मैं आपको सुंदर सा चांद दिखाती हूँ. एनीवेज, पहले यहाँ पे वेस्ट साइड था तो मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर ली जाए. इफ़ आई वॉन्टेड टू बाई एनी थिंग तो मैं जस्ट विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ पसंद आता तो ले लूँगी. एंड ही दिस इज़ वेस्ट साइड हियर. काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे तो मुझे कुछ पसंद तो नहीं आया ऐसे खास, पर मैंने कुछ ही चीज़ें ली थी. And here I'm going in the parking lot of World Trade Park. That's WTP for you. यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, प्लस आप फोटो ज़रूर खींच लेना जो भी पार्किंग का सिचुएशन है, जो भी पार्किंग का एग्जैक्ट लॉट नंबर है या पिलर नंबर है, क्योंकि गाड़ी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है फिर बाद में. एंड दिस इज़ मी ट्राइंग टू स्पीक समथिंग पर आवाज़ आ नहीं रही है इतने शोर में. बाय द वे, रेट माई लुक टुडे, मैं कैसी लग रही हूँ आज. एंड ये वो वॉल बैकग्राउंड है जहाँ पे 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने कुछ अपना फ़ोटो खिंचाया था जब मैं पहली बार जयपुर आई थी अपना कॉलेज विजिट करने बिफोर आई टुक एडमिशन. सो आई स्टिल रिमेम्बर दिस प्लेस. आई यूज़ टू बी प्रीटी थिन दैट टाइम. एनी वेज, गुड ओल्ड डेज. तो ये यहाँ से आपने एंटर किया होता है, जस्ट ऊपर चढ़ी हूँ एक फ्लोर. यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स है, वो उधर सुपर ड्राई दिख रहा है. और अभी WTP को 10 साल हुए हैं तो ये ऐसा मॉडल बनाया हुआ है, ऊपर 10 लिखा हुआ है ताकि एग्जैक्ट ओवरव्यू आए. और इतना ही बड़ा है WTP. ये सुपर ड्राई है, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बाय. माय बैंक अकाउंट इज ड्राई सो नॉट नाउ फॉर मी. गोइंग ऑन द अपर फ्लोर, यहाँ पे आपको मिलता है कॉस्टा कॉफी का आउटलेट. अगर आपको कॉफी पसंद है या यहाँ की पर्टिकुलर इस चेन की कॉफी पसंद है तो यू कैन चेक इट आउट. काफ़ी सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे, सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं. ये देखो, ये सूट केसेस रखे हुए हैं ट्रैवलिंग के लिए. और मार्क्स एंड स्पेंसर का भी आपको मिल जाएगा. वो कितना भी आ रहा था थी मैं और कितना क्यूट सा एकदम. एंड वहाँ कोने में कलबा था अगर आपको फिजिकल आउटलेट से लेना हो तो. एंड आई एम मूविंग अहेड ऑन द एस्केलेटर, ऊपर जा रही हूँ, फूड कोर्ट जा रही हूँ आई थिंक. उससे पहले बाकी सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए जाती हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए वीडियो में से. तो ये जो आउटलेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैक्सिमम होम डेकोर की चीज़ें मिलती है, क्यूट क्यूट सी और एक्सपेंसिव भी मिलती है. सो हियर इज द आर्चीज, यहाँ पे लोग गिफ्ट खरीदते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन कौन कौन सी मूवीज लग गई. दशहरा, भोला, नॉट टू मच कोल्ड राइट नाउ. वैसे डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ हैवंट ऑलरेडी ना. एंड आप लोगों को क्या पसंद है, मूवी थिएटर में देखना ज़्यादा पसंद है या अपने घर पे नेटफ्लिक्स या अमेजन बिंज वॉच करना ज़्यादा पसंद है. आई नो द सेकेंड मेथड इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव, बट थिएटिकल एक्सपीरियंस कुछ लोगों को ज़्यादा ही पसंद होता है एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. सो आई डू सजेस्ट वॉचिंग अ मूवी अ मंथ. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, मोनोटोनी से बाहर निकल जाते हैं हम. एंड दिस इज़ अनदर शॉप्स एंड समथिंग. ये आर चीज़ ही है क्या, क्यूटू क्यूटू चीज़ें मिल रही है यहाँ पे तो. यार मुझे भी कुछ लेना था पर नहीं 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 बहुत ओवर शॉपिंग हो जाती है, फिर ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल. ये क्यूट क्यूट से बच्चे, उनको भी आर चीज़ दिख रहा है. देखो कितना अपीलिंग होता है ना पूरा ग्लास में. एंड ये हेमलीज है, पता है, छोटे बच्चों के खिलौने मिलते हैं यहाँ पे पर काफ़ी महंगे. आई थिंक सो दैट एंड दैट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ दीज पीपल. पूरा ऐसे विजिबिलिटी हाई कर रखा है ताकि लोगों को बाहर से भी दिखे. एंड ये एक स्टोर है जहाँ पे आप फोन्स खरीद सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय फ्रॉम हियर. साइड में वॉशरूम्स बने हुए हैं, मोस्टली हर फ्लोर पे या हर अल्टरनेट फ्लोर पे मिल जाएंगे. आई हैव नोटिस दैट क्लियरली कि हर फ्लोर पे है या नहीं. ये अंदर से काफ़ी साफ सुथरे हैं, फोटोज़ भी यहाँ अच्छे आते हैं, हाइजीन मेंटेन किया हुआ है वॉशरूम्स. मूविंग टू द फूड कोर्ट आई गेस, डिसाइडेड बबल टी बात है. पहले मैगी जाऊँगी फिर बचाऊंगी. ये रहा सी सी डी का आउटलेट, इट्स कैफे कॉफी डे इफ़ यू वांट टू ट्राई एंड इट्स अ क्यूट बेबी. तो चलो हम चल रहे हैं अभी फूड कोर्ट की तरफ. यहाँ पे काफ़ी सारी ईटरीज अवेलेबल है, काफ़ी सारी खाने की चीज़ें अवेलेबल है. टर्किश आइसक्रीम भी मिल जाएगी आपको
और वो जो रोल वाली आइसक्रीम बनाते हैं इसे स्प्लिट कर करके, वो वाली आइसक्रीम भी यहाँ पे अवेलेबल है। बेल्जियन वेफल भी है, कैविंटर्स है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। महंगी वाली कैंडी भी मिलेगी और सीटिंग स्पेस भी कमेंडेबल है, सो यू कैन चेक इट आउट। ये यहाँ कुछ नया खुला है ब्लू ब्लू सा, इट्स बेसिकली मोर एम्फेसाइज ऑन नॉन वेज, सो एम नॉट चेकिंग दैट आउट एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स मैकडी। सही, अपना सस्ता सुंदर टिकाओ। वैसे आई लाइक मैकडी, डू यू लाइक बर्गर किंग और मैकडी? एंड यहाँ एक कैसल सा बना हुआ है क्यूट सा, इफ यू वांट टू चेक आउट, अच्छे फोटोज आते हैं यहाँ पे। ओहो टैको बेल, क्या आपने टैको बेल कभी खाया है? मैंने तो नहीं खाया, किसी दिन ट्राई करेंगे। एनी वेज वी आर एट, आई एम लविंग इट, वी आर एट मैकडोनल्ड्स। तो वही अपना रेगुलर ऑर्डर करने वाली हूँ मैं, जो यूजुअली आई ईट एन आलू टिक्की बर्गर। मैं पहले ज़्यादा खाती थी, लाइक मैकपफ भी लेती थी, बट आई एम इनटू पोर्शन कंट्रोल नाउ, सो आई टेक लेस। एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर माय ऑर्डर। मेरा मेकअप थोड़ा डस्की सा टोन पे है आज, बिकॉज मैंने ब्राउन लगाई है लिपस्टिक, थोड़े से एक्ने हो रहे हैं हाँ धूप में और पॉल्यूशन में चल चल के, पर क्या कर सकते हैं, वी कांट कंट्रोल इट ना। लुकिंग एट माई सेल्फ अडोरिंग माई लेंसेज, तब तक ऑर्डर आ जाना चाहिए। उफ़ टेस्टी बर्गर हाँ है, तो हमें जल्दी से खिला दो। कलेक्ट, अरे और ये टॉयज़, पता है बच्चे थे ना तब पैसे नहीं थे, टॉयज़ खरीदने का बड़ा मज़ा आता था, आज पैसे हैं तो टॉयज़ पे खर्च करना नहीं चाहते। वियर्ड लाइफ। एंड इट्स अ वॉश बेसिन जो कि फुट ऑपरेटेड है, आप ऐसे पैर से प्रेस करो पानी आ जाएगा। इफ़ एनी वन फेस सच सिचुएशन, ये हैक है, ऐसे होता है यहाँ पे, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। तो अपने हाथ झड़ाने के बाद मैं चली बाहर थोड़े पिक्स खिंचा के। एंड ये सीटिंग स्पेस है जिसकी मैं बात कर रही थी यहाँ पे, कि काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स हैं साइड्स में, तो सबका कॉमन सीटिंग दिया हुआ है, आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। दिस इज़ दुबई बाज़ार, एक सेपरेट पोर्शन है जिसे दुबई बाज़ार कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे कोई बहुत एक्जॉटिक नहीं है, बट हाँ वेराइटी मिल जाएगी आपको। फ़ोन कवर्स है, मेकअप एसेंशियल्स, क्लोदिंग व्हाट नॉट। सो इट्स अ सेपरेट सेक्शन फूड कोर्ट के जस्ट आगे है। ये देखो की चेन लटक रही है, जंप सूट्स लटक रहे हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम हियर। अच्छा है, खाना खाते खाते थोड़ा पच भी जाएगा, टहल लोगे इधर तो। अब यह प्राइजेस तो WDP के हिसाब से ही है, बट हाँ कंपेरेटिवली बाकी जो शोरूम्स हैं यहाँ पे ओवर एक्सपेंसिव और ओवर ब्रांडेड, उसके कंपेरिजन में यू कैन फाइंड इट चीप बट नॉट एक्चुअली होलिस्टिकली चीप। सो हेयर इज सम जूलरी एंड डिफरेंट लेन्स जहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स है, तो वैरायटी आपको मिल जाएगी। उधर दूसरा सेक्शन आ जाता है, वो देखो मसाज की चेयर्स लगी हुई है, समवन वांट टू गेट अ गुड मसाज दे कैन। एंड हेयर आई एम एग्जिटिंग द बाजार विदाउट बाइंग एनीथिंग ऑफ कोर्स। तो मैं तो वापस से फूड कोर्ट की तरफ से ही निकल रही हूँ, बिकॉज मेरी बबल टी बाकी थी जो मैंने अभी बोला था कि मैं मैकडी के बाद लूँगी, तो ओह ये कितना क्यूट बेबी है। एनीवेज चलो अपनी बबल टी की तरफ बढ़ते हैं। उस बबल टी में ना कुछ पर्ल्स होते हैं ऐसे, आई थिंक उसे देसी साबूदाना भी कहते हैं, बट बोबा पर्ल्स कहते हैं उनको, तो लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने कभी ट्राई नहीं की है, बट आई होप आई लाइक इट, क्योंकि अगर नहीं पसंद आई तो अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में WTP नहीं कवर किया है, बिकॉज मैं थक गई थी एंड आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड। एनी वेज अभी हम बबल टी पियेंगे और वो दिखाऊंगी मैं कि वो कैसी है, तो आई होप यू गेट एन आइडिया। ये केवेंटर्स है, मैं थोड़ी कन्फ्यूज थी मैं यहाँ पीऊँ या वहाँ पीऊँ, यहाँ पे नॉर्मल शेक्स मिलते हैं, बट अभी बबल टी ट्राई करनी थी तो बबल टी पे ही चलते हैं। आई सी अदर नेशंस पीपल एन्जॉइंग इट अ लॉट, इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट ठीक है। और ये बहुत क्यूट क्यूट सा इनका शॉप बना हुआ है यहाँ पे, पूरे WTP मैंने तो एक ही नोटिस किया है। इफ़ यू हैव नोटिस्ड मोर अराउंड जयपुर लेट मी नो, मैंने बहुत ढूंढा तब जाके मुझे यहाँ मिली है, तो मुझे भी ट्राई करना बनता ही है। एंड यहाँ हाइट वगैरह भी बना रखी है ऐसी क्यूट क्यूट सी, वही सब लुक्रेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यू नो आई ऑलवेज टेल यू। तो आई हैव टेकन माई बबल टी, ये ऐसे दी है, मुझे लगा थोड़ी और ज़्यादा क्वान्टिटी आएगी, एनी वेज इट वॉज टेस्टी। That's it for today. Do subscribe to my channel agar video pasand aaye, and also turn on the bell icon for notifications. Bye bye.